नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन नर्व टॉनिक। दोस्तों ये नर्व टॉनिक उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिन्होंने सोच सोच के अपना दिमाग जो है बिल्कुल खराब कर लिया है। हो सकता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा ना किया हो, लेकिन अब आकर उन्हें जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहे हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो है एक बेस्ट नर्व टॉनिक है। दोस्तों वो लोग जिन्होंने फिजिकल और मेंटल लेबर कर करके अपना दिमाग और अपनी बॉडी को बिल्कुल हरा दिया है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इज देयर, टोटली प्रोस्ट्रेटेड हो चुके हैं, यानी कि थक चुके हैं ओवर थिंकिंग से, ओवर वर्क करने से, ऐसे केसेस में मैंने वंडरफुल इम्प्रूवमेंट देखी है इस मेडिसिन से। दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सोच विचार में, बिजनेस की टेंशन में निकाल दी और अब आकर उनकी रातों की नींद भी खराब हो गई है। रात में भी उनका दिमाग चलता रहता है और वो अपनी टेंशन्स में ही रहते हैं, रात को सो भी नहीं पाते। या फिर वो बच्चे जो कि एग्जाम्स की टेंशन ले लेके दिन रात पढ़ाई करके ना खाना ना पीना कुछ ना करके अचानक उनको इतनी इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन हो चुका है, ना किसी से बात करते हैं, अकेले कमरे में रहना चाहते हैं, एंग्जाइटी के उनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये दवा बहुत अच्छी है। जिन्हें रातों को अब नींद आनी बंद हो गई है, रातों को अचानक से चिल्लाते हुए जागते हैं, उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए ये दवा बहुत अच्छी है। सोमना एम्बुलिज्म यानी कि रात को नींद में चलना, यदि इस तरह की परेशानी भी है तो ये मेडिसिन उन लोगों के लिए एक रामबाण है। दोस्तों कुछ ऐसे लोग आपने देखे हैं जो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, हर छोटी से छोटी बात को बड़ा ही अपने ऊपर बड़ा ही जो है डाल लेते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबत समझते हैं उसको, छोटे छोटे कामों को उन्हें करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर इस तरह के लोगों को आप जानते हैं या आपको ही ये दिक्कत है तो ये दवा जो है आपके लिए है। इस दवा का नाम है कालीफॉस 6X। वाकई में ये बहुत ही बेहतरीन नर्व टॉनिक है। बेसिकली जो नर्व डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसोनिज्म हो गया, ऐसे डिजीजेस के लिए कालीफॉस 6X ने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया है। नर्वस डिसऑर्डर्स के लिए, नर्व्स वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए कालीफॉस 6X को लीजिए। दोस्तों ये दवा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिन्हें माइग्रेन की दिक्कत है, सेरिब्रल अनीमिया है, चक्कर आते हैं, जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं या चेयर से एकदम उठते हैं तो अचानक से चक्कर आ जाए, अब मेमोरी लॉस हो चुकी है, यानी कि इतना उन्होंने अपना मेंटल लेबर कर दिया है कि उनको सर में दर्द जाता ही नहीं है, खासकर इस हिस्से में उनको ज़्यादा दर्द रहता है, यानी कि ऑक्सीपिटल हेडेक की शिकायत करते हैं, तो वो लोग भी इस दवा को ले सकते हैं। ब्रेन फैग के केसेस में, यानी कि टू मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ कर लिया है कि आज वो भी थक गया है, भूलने लगा है, मेमोरी लॉस हो चुकी है, छोटी छोटी चीज़ें कहीं रख कर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं आता कहाँ गया, इतना स्ट्रेस लिया है अपनी ज़िंदगी में कि अब आकर वो चीज़ें भूलने लगे हैं। इसके अलावा हिस्टीरिया के केसेस यानी कि इमोशनल एक्सेस के केसेस में एक डर बना रहता है, हर वक्त चिंता से घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कालीफॉस 6X बहुत अच्छी है। दोस्तों इसके अलावा वो लोग जो कि किसी से बात ही नहीं करना चाहते, अब चिड़चिड़ापन आ गया, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रात भर अपने मोबाइल में, नेटफ्लिक्स में या ऐसी एक्शन मूवीज़ देखते हैं, फाइटिंग मूवीज़ देखते हैं, उनके साथ साथ ऐसे जो है एक्शंस करने लगते हैं, या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा डूब गए हैं पबजी जैसे गेम्स में और सारी रात जाग कर पबजी जैसे गेम्स खेलते हैं, उन बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। जो सारी रात जाकर सुबह में सोते हैं उसके बाद उनसे कुछ कहा जाए तो चिड़चिड़े होते हैं, उलट पटांग जो है सोचने लगते हैं या उल्टे सीधे जवाब देते हैं या एंग्जाइटी के शिकार हो चुके हैं या अब अचानक से बोलना ही बंद कर दिया है और बड़ा अजीब बिहेवियर कर दिया है, किसी से बात नहीं करते और यदि कोई रिलेटिव भी घर में आए तो उनसे भी मिलना पसंद नहीं करते, अकेले अपने कमरे में ही दुबके रहते हैं, तो इस तरह के बच्चों के लिए अगर मेमोरी वीक होती जा रही है तो कालीफॉस 6X जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब मैं बताऊँगी कि इसको लेना कैसे है। कालीफॉस 6X की 4-4 टैबलेट्स दिन में 3 बार लेंगे पहले 15 दिनों तक।
आप थोड़ा वेट करके देखिए क्या कुछ चेंजेस लग रहे हैं, क्या अब आपकी धीरे धीरे कुछ स्ट्रेंथ आ रही है ब्रेन में। अगर आ रही है तो उसके बाद इसको दिन में सिर्फ दो दो बार लेंगे, दो बार लेंगे चार चार गोलियां। इसके अलावा काली फॉस 6-6 की जगह काली फॉस 30 भी ले सकते हैं। इसको कैसे लेंगे, दो दो बूंदे लेंगे दिन में तीन बार। ऐसे ही 15 दिन तक कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद वेट कीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। और अगर आपको ये मेडिसिन सूट कर रही है तो इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद दिन में दो बार लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा वेट करके फिर दिन में सिर्फ एक बार लेंगे और धीरे धीरे ये मेडिसिन आगे छूट भी जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन नर्व टॉनिक है, मैंने इसके सारे सिम्टम्स आपको बताए हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हो रही हैं तो आप ये मेडिसिन बिल्कुल ले सकते हैं। फिर भी यदि आपको अब भी कोई शंका हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों फिर मिलूंगी, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, और फिर से मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड